आज मैं एक तो आपको बताना चाहता हूं, राजयोग। हमारी कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं, राजयोग विशेष योग। देखिए, फिर मैं आपको, मैंने कल समझाया था इंटेलिजेंसी और बुद्धि की बात बताई। बुद्धि होने से आप कामयाब नहीं बनेंगे जब तक आपके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं। एब्सोल्युटली राइट, समझे या ना समझे मुझे इससे मतलब। सही है। कामयाब होने के लिए आपकी इंटेलिजेंसी, बात को पकड़ना, बात को बैठ पकड़ के बैठना शनि खराब, और बात को आगे कतक करना शनि अच्छा। नहीं समझाने का तो मैं इतनी बेसिकली बातें करी। देखिए विशेष योग, कल तो मैंने आपको पंच लाइन पढ़ाई थी, आज मैं आपको विशेष योग पढ़ा। देखिए, यदि हमारी ग्रिड में, हमारी टोटल में, जन्म तिथि में, मोबाइल नंबर में सबसे शुभ अंक 1, 3, 5, 6 होते हैं और इन्हीं पे हम मोबाइल नंबर रखते हैं, 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का। अगर हमें फिर भी गुरु तत्व के अंदर एक ज्ञान होता है, ज्ञान के आधार पर वो गलत कार्य करने की प्रेरणा नहीं रहता। 8 और 6 और 7 नंबर को नहीं रखते, लेकिन 8 और 6, 7 को भी रख सकते हैं। क्या आपको पता है किसे रखने चाहिए 8, 7, 9 किसको रखने चाहिए, क्या कोई बताएगा? शब्दों के ज्ञान को मैं बार बार समझा चुका हूं, वैदिक में और लोशो ग्रिड में 9 ग्रहों का खेल है। 9 ग्रहों को समझ लो, आपको ज्योतिष आ जाए। मैंने क्या बताया, 4 नंबर। अगर आप रिसर्चिंग नेचर में हैं, क्रिएटिव नेचर में हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हैं, ऑनलाइन के फील्ड में हैं, तो अगर आप 4 नंबर भी रख लेंगे तो आपका नुकसान नहीं देगा, फायदा देगा। क्योंकि 4 नंबर इलेक्ट्रॉनिक से संबंध रखता है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब होना शुरू हो जाए या खराब हो रहा है, और सबके घरों में होता है एक के बाद एक, तो ये समझो कि आपका राहु खराब हो रहा है। अब दुखी 1 और 9। अगर किसी के पास 1 और 9 नंबर नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने काम काज को बदलता रहता है। 1 सूर्य का, 9 मंगल का, और किसी के पास 1 और 9 है तो उसके पास लक्ष्मी खुद चल के आती है। मैंने ये व्यक्तिगत अजमा के देखा है अपने जीवन में। 1 और 9 नंबर बता दिया मैंने, 1 और 9 नंबर जिसके पास है लक्ष्मी खुद चल के आती है। 1 नंबर सूर्य का और 9 नंबर, 1 नंबर आता है तो यदि किसी का 1 नंबर आता है तो प्लानिंग अच्छी होती है। 1 नंबर 19वीं सदी में सबके पास था, तो वो सब लोग एक प्लानिंग बना के काम करने विश्वास करते थे। अगर 1 नंबर 2 बार आता है तो प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, और 1 नंबर 3 बार आता है तो अच्छी प्रतिभा हो, 1 नंबर 4 बार आता है तो कैरियर अच्छा होता है और बहुत प्रसिद्धि होती है। अच्छा, 1 नंबर 5 बार आता है, ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान कैरियर बहुत अच्छा। अच्छा जी, 1 नंबर 2 बार आता है तो ऐसे व्यक्ति की प्लानिंग बहुत अच्छी हो। अच्छा जी, 3 बार होने पर प्रतिभा अच्छी होती है, 4 बार होने पे करियर अच्छा होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, दिमाग से काम करना चाहिए, ज्ञान के लिए गुरुवार को पीले कपड़े अवश्य पहने। अगर 4 बार किसी का 1 नंबर आता है, ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाब होता है, अच्छी प्रतिभा होती है, प्रसिद्ध होता है, बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को ज्ञान के लिए गुरुवार को, बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहने। 2, 4 पूरे विश्व में सब में शुभ अंक माना जाता है, 2 नंबर चंद्रमा का और 4 नंबर राहु का। हमारे वैदिक ज्योतिष में 2, 4 शत्रु माने गए हैं, लेकिन इस विधा के अंदर
न्यूमरोलॉजी के अंदर दो चार को शत्रु नहीं माना जाता। फिर मैं आप लोगों को बार बार एक बताता हूं, बिना न्यूमरोलॉजी के, बिना वैदिक के न्यूमरोलॉजी अधूरी है। वैदिक ज्योतिष को पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। दो नंबर चार पूरे विश्व का शुभ अंक माना जाता है। भौतिक संसार मतलब धन सुख समृद्धि के लिए। अगर आपके पास धन की परेशानी है, पारिवारिक सुख की परेशानी है, दो चार छह नंबर होता है, छह नंबर को आप लिख सकते हैं, घर में लिख सकते हैं, दीवार पर लिख सकते हैं, उत्तर दिशा में लिख सकते हैं, अपने चेयर पर लिख सकते हैं, टेबल पर लिख सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। आप अपने अंगूठे पे भी लिख सकते हैं, मैंने उसमें दे दी है सब, उसमें पढ़ लेना है। अगर दो नंबर नहीं है, जिनके पास दो नंबर नहीं है, उनके पास ऊंची प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ऊंची प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, उनकी शादी में परेशानी आती है, या शादी होगी नहीं, अगर शादी होगी तो लेट होगी, और शादी हो जाएगी तो डिस्टरबेंस होने की संभावना रहेगी। ऐसा आदमी जल्दबाज होगा, उतावला होगा। अब इसकी रेमेडी क्या है? ऐसा व्यक्ति उतावला करना बंद कर दे, जल्दबाजी करनी बंद कर दे, पेशेंस रखे, तो उसका दो नंबर एक्टिवेट होता चला। अगर दो नंबर नहीं है तो साउथ वेस्ट जोन में वास्तु दोष होगा। दो नंबर का अंक विवाह बताता है। दो नंबर है तो यह संकेत करता है इस व्यक्ति की शादी समय पे हो सकती है। दो पांच आठ नंबर होने के कारण ऐसे व्यक्ति पे प्रॉपर्टी रहेगी, ऊंची प्रॉपर्टी रहेगी, दबंग रहेगा, पैसे वाला होगा। एक नई बात और बता दूं, मैं भी रिसर्च करता रहता हूं, कंजूस होगा, पैसा हाथ से नहीं छूटेगा। दो सात नंबर, अगर दो सात नंबर नहीं है तो वैवाहिक जीवन में संतोष में परेशानी रहेगी। अगर किसी पे दो सात नंबर नहीं है तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। पत्नी पति पति पत्नी एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे। दो सात नंबर नहीं होने के कारण बताए, दो सात छह नंबर होने के कारण ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को एक्शन उसका एक्टिव होगा, टाइम से पहले काम करेगा, जल्दी काम करेगा। आप समझ रहे हैं? अगर 276 नहीं है तो आलसी हो जाएगा, और 276 है तो इमीडिएटली काम करेगा। 276 इंसान सोचता बहुत है, वह करता कितना है, यह हम यहां के देखते हैं। 258 एक ऐसा अंक है जो बेडरूम के ऊपर छत पर ले जाता है। बेडरूम ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर वाली छत पे बनाना चाहिए। अगर किसी के पास 258 में से एक अंक है, दो अंक मिस है, तो अर्थ एलिमेंट की कमी होगी, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी बना बनाया मकान ही लेना चाहिए, जमीन से मकान नहीं बनाना चाहिए। 258 प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रैक्टिकल होता है, हकीकत से जुड़ा हुआ होता है, व्यवहारिक होता है, गलत कार्य नहीं करता, नियमों का पालन करता है, हड्डी मजबूत होती है, दीर्घ आयु होती है, लेन देन के अच्छे। 258 नहीं है तो अर्थ एलिमेंट नहीं है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। अगर किसी के पास 258 नहीं है, काल सब दोष होगा, अर्थ एलिमेंट की कमी होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उसके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बीमार हो सकता है, नींव नहीं डलती, अपने हक मांगने में दिक्कत आती है, फ्लैट में भी रहता है, तीन चार घर भी बदल लेता है, बना बनाया घर भी खरीदता है, भाग दौड़ वाले कार्य करता है, कंफ्यूज रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आती। तीन नंबर, अगर तीन नंबर नहीं है तो मान सम्मान के लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। अगर तीन नंबर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान खुद नहीं मिलता, समाज में पैसे खर्च करने पड़ते हैं जब उसको कोई और ईस्ट जोन में वास्तु दोष बनता है।
तीन का अंक बताता है कि जीवन भर माता पर है। अगर तीन का अंक है, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर माता पिता का सपोर्ट मिलता रहता है। ठीक है ना, पिता माता पिता रहने व उनके सहयोग के साथ रहता है, उनका सुख देखता है जीवन में। डबल थ्री नंबर दो बार आता है, तो जल्दी ऐसा व्यक्ति जल्दी कमाने लगता है और ऐसे व्यक्ति को पिछले प्रारब्ध से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऋषि मुनि की संतान होता है, उसने ज्ञान प्रारब्ध पिछले जन्मों से सीखा है। अच्छा, तीन पांच के कारण जनता में प्रसिद्धि मिलती है, तीन पांच के कारण लोग उनके दिलों में दिलों को पसंद करते हैं, समाज में प्रसिद्धि पाई जाती है, ऐसा योग होता है। तीन पांच सात भावनात्मक, दिल की आवाज, रोमांस, शारीरिक क्षमता, आध्यात्मिक संवेदना, प्यार, दिल, सिक्स सेंस। छठी इंद्री काम करती है दिमाग की। अगर किसी के पास 3, 5, 7 होता है, भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है और किसी भी काम को करने में सक्षम होता है, अगर 3, 7 है तो पहली संतान लड़की होती है। 3, 7 नहीं है तो दो लड़के होने की संभावना रहती है और जनता द्वारा पसंद करते हैं। अगर 3 और 8 है किसी व्यक्ति के पास, ऐसा व्यक्ति राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। दोस्तों, ये सब लॉजिकल बातें हैं, इनका कोई वो नहीं। तो ये मैंने अब आपको बताए विशेष योग।